फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं देखिए आपको ये जो लाल झारी है इसके जो प्लांट है इसकी कटिंग लगाना बताऊंगी। तो ये मैं आज कहीं से लेकर आई थी इसकी कटिंग, तो क्योंकि मेरे पास ये प्लांट नहीं था तो कहीं लगा हुआ था, तो उस प्लांट से मैं इसकी कटिंग लेकर आई हूँ। तो ये मैं कटिंग आपको लगा कर दिखाऊँगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ये मैंने कटिंग देखिए आपके सामने ये तीन कटिंग तैयार की के रखी हुई है। इसको ऐसे कटिंग कर लेना नीचे से। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल मिट्टी ली है गार्डन की। तो ये प्लास्टिक का ही पॉट है मेरे पास जो पेंट का खाली पड़ा था। तो इसके लिए कोई ज़्यादा खाद वगैरह कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप गार्डन की सिंपल मिट्टी ले लीजिए तो उसमें आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो ये इस समय मानसून का समय है, तो आप इसको लगाने के लिए जो है ये टाइम अच्छा है। आप कोई भी आप कटिंग लगाना चाहें तो टाइम पर आप कटिंग लगा सकते हैं। तो इसमें आपको कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपल मिट्टी लें गार्डन की तो उसमें आप इसको लगाएं। तो ये आसानी से लग जाती है। तो अगर आप इसको देखिए ऐसे छोटा सा होल करके, तो इसको कम से कम भी आप थोड़ा जैसे ये इसके रूट्स वगैरह यहाँ निकलने हैं, इसको इतना नीचे हमने कर देना है, कम से कम 2 इंच नीचे इसको लगाना है। जैसे ये देखिए इसके भी रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम इसको इतना इसके नीचे दबा देंगे ताकि यहाँ से अच्छी आसानी से रूट्स वगैरह निकल जाएं। तो पहले था मेरे पास ये प्लांट, तो वो उसका गमला टूट जाने के कारण तो प्लांट ही ख़राब हो गया मेरे पास। तो मैंने उसकी कटिंग भी लगाई, उस टाइम मैं घर पर नहीं थी। तो ये मैं आज फिर कटिंग लेकर आई हूँ। तो देखिए ऐसे ही ये देखिए इसकी भी जगह यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट है। तो इसको क्या करना है, इसके साथ ही ऐसे इसको लगा देना है अच्छी तरह से दबा के। तो ये जो कटिंग है काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका सर्दियों में जो फूल हैं झड़ जाते हैं, और गर्मियों में इसको जितनी भी आप धूप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये धूप में अच्छी तरह से ये प्लांट चलता है और काफ़ी झाड़ीदार ये प्लांट होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि आपकी जो मिट्टी है काफ़ी नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह ये कटिंग है जो मैंने लगाई है। तो अगर आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इस समय ये कटिंग का टाइम है। तो कटिंग आप धूप में ना रखें, इसको एक शेड के नीचे ही रखें, क्योंकि शेड के नीचे जो है कि धूप कम पड़ती है और रोशनी ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो प्लांट ख़राब हो सकता है, कटिंग ख़राब हो सकती है। तो इसको छाया में रखें तो आपकी कटिंग बहुत ही आसानी से चलेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको देनी चाहिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो धन्यवाद।